हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज डिप्लोमा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में, ये WB पॉलिटेक्निक हो या झारखंड के पॉलिटेक्निक हो या आपके बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के, वो जिलेट 2021 का अप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है जो WBJEE कंडक्ट करवाती है डिप्लोमा टू डिग्री के लिए। आप या BSc का स्टूडेंट भी वो भर सकते हैं जो PCM लेके किए होंगे मैथ ऑनर्स वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जिलेट का। जिलेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट उसको भर सकते हैं 2021 के लिए। जो डिप्लोमा फाइनल ईयर में होंगे या पास आउट हो चुके हैं वो फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, जिलेट आपको सर्च करना है, यहाँ पे जिलेट जाना है। जिलेट के बाद आपको देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो जिलेट अ स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या करना है, ये आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, ये छोड़िए अभी का जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए ये निकल गया जिलेट 2021, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड विल कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिलेट 2021 काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ऑफ द फोर ईयर बैचलर डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी इन वेरियस इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल फॉर 2021-22 एकेडमिक सेशन। आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट जो है वो 29 अगस्त है, 2021 संडे को दिन है। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टार्ट ऑनलाइन, आपका 4 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ये 24 मई 2021 तक होगा लास्ट। अप्लाई फॉर जिलेट 2021 एग्जामिनेशन 2021 पे आपको क्लिक करना है। आप न्यू कैंडिडेट हैं तो देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन 4 स्टेप में आपका फॉर्म भराएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन एंड फोटो एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फी। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए 4 स्टेप में, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा, फिर इमेज आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड किया जाएगा और फी पेमेंट, फिर उसके बाद फी पेमेंट करना होगा। तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ए में इस पर अलग वीडियो आपको बना दूंगा कि सिलेबस क्या है, कितने कटअप जाएंगे, ठीक है, क्या कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, ये सब दिया रहेगा उसमें इन्फॉर्मेशन। तो कैंडिडेट जो होना है ओनली जो होगा ऑनलाइन एग्जाम, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जिलेट 2021 का, ठीक है। यूनिक मोबाइल नंबर और यूनिक IA आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा। रेगुलेशन स्टिपुलेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिलेट एंड पब्लिश नोटिस बाय दी बोर्ड फॉर दी सेट पर्पज, ठीक है। जनरल के लिए आपका एप्लीकेशन फी कितना है, 500, और SC ST OBC के लिए कितना है, 400। तो जनरल अदर स्टेट वाले क्या जनरल के रूप में आप एग्जामिनेशन ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट अलाउड, एक ही बार आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, अगर मल्टीपल भरोगे तो आपका एप्लीकेशन क्या करेगा, रिजेक्ट हो सकता है। जो आपका क्लास 10 में, या गलत से 12th तो आप लोग किए नहीं होंगे, जो 12th किए होंगे BSc वाले 12th किए होंगे और डिप्लोमा वाले 10th किए होंगे, जो आपका वहाँ पे फादर्स नेम, नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ होंगे, वही आपको रजिस्टर्ड में भरना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर 5 सिंपल स्टेप्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसमें कैंडिडेट वगैरह क्या मांगेगा दिखाते हैं आपको ऑनलाइन, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद अपलोडिंग इमेज और सिग्नेचर, उसके बाद फी पेमेंट करना है, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें, तो नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फी क्या है, नॉन रिफंडेबल है, उस पर क्लिक करना है। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड, इस पर क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन वाला आपको खुल गया, पर्सनल डिटेल्स में आपको कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप, ठीक है, एक कट मार्क और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वोटर आईडी क्या है आपको, जो आइडेंटिफिकेशन टाइप आप दे सकते हैं ये आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, अगर आधार कार्ड आप दे सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी नंबर दे देना है वहाँ पर। फिर परमेजक कम्युनिकेशन डिटेल्स, आप कहाँ के हो अभी जो, ठीक है, आप प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ पे भर सकते हो, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, लैंडलाइन, ईमेल आईडी, फोन, मोबाइल नंबर। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस की तरह तो आप सेम एज कर दे, अगर अलग है तो अलग आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चूज पासवर्ड, पासवर्ड अपने से यहाँ पे आपको टाइप करना जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आप क्या देना चाहते हैं, यू एक आपको सिलेक्ट करना है इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी का आंसर देना है, जो आप चूज करोगे इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। फिर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन आपको जिद दिख रहा है वही यहाँ पे आपको भरना है सिक्योरिटी पिन। उसके बाद क्या करना है, सबमिट। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फी पेमेंट करना होगा, उसके बाद कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप एग्जामिनेशन जोन चूज करना है, तो एग्जामिनेशन जोन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो एग्जामिनेशन जोन आप देख सकते हैं कि बांकुरा, ये कोच, ये कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, ठीक है, मालदा, आसनसोल, सब मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आपको वो दिखा रहे हैं कि जो कैंडिडेट
त्रिपुरा का है कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल मस्ट सेलेक्ट एनी थ्री जोन एक्सेप्ट त्रिपुरा अगरतला, जो त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट है वो छोड़ के बाकी जो वेस्ट बंगाल के जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट के, वो कोई ऊपर में जो दिए हुए हैं वो तीन आप एग्जामिनेशन जोन चूज कर सकते हो। जो त्रिपुरा के हैं ये उसमें चार में जो आपको दिख रहा है वही चार में कोई तीन आपको चूज करना है। अदर स्टेट के हैं वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी दूसरे राज्य के हैं वो तीन एग्जामिनेशन जोन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सी नंबर उससे आप चूज कर सकते एग्जामिनेशन जोन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज तो बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल कहाँ का है वो आपको बताना है, अदर, ठीक है, कैटेगरी आप जनरल फॉर WB डोमिसाइल ओनली, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर हैं तो WA for WB डोमिसाइल ओनली, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिर इसे फिर ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, होम डिस्ट्रिक्ट आप क्या है, ठीक है, WB क्या है, तो रिलीजन आप क्या है, अप्लाई फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी एग्जामिनेशन जो आप बताएं, जैसे आपको अभी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कि आपको अगर WBA तो कोई भी चूज कर सकते हैं, त्रिपुरा के तो तीन डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था तीन एग्जामिनेशन, उसमें आप कुछ चूज कर सकते हैं चार में तीन, और बाकी अदर वाले ये चार जो दिए थे उसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। पास स्टेटस आपको भरना है, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है सारा आपको भरना है करके। फिर इमेज अपलोडिंग आपका 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है, 10 KB से 2 इमेज का साइज, फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB का होना चाहिए, ठीक है, JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये आपको क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक। फी पेमेंट करना चाहिए, उसके बाद कन्फर्मेशन पेज आपको वहाँ से, तब तक कन्फर्मेशन पेज आपको जरूर डाउनलोड करना होगा, तब आपका माना जाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको समझ में आया होगा, अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो बेहचक कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।